आज के वीडियो की बीपीसीसी 109 विकासात्मक मनोविज्ञान की यूनिट 15 विकासात्मक मनोविकृति विज्ञान प्रथम पहला फर्स्ट पार्ट मान लो इसका, क्योंकि इसी से रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट यूनिट में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्या विकासात्मक मनोविकृति विज्ञान, मुख्य रूप से जीवन पर विकास के संदर्भ में बाल अवस्था से संबंधित विकारों पर केंद्रित है। यह अध्ययन करता है कि विकार कैसे उत्पन्न होते हैं और अंततः वे समय के साथ कैसे बदलता है। बाल अवस्था एक महत्वपूर्ण चरण बन जाता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण अवधि है जहां विभिन्न क्षेत्रों जैसे संज्ञात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और अन्य क्षेत्रों का विकास होता है। धीरे धीरे उसी में बच्चे बड़े हो तो उसमें कोई भी छोटी से छोटी घटना एक विकार का रूप ले सकती है जिससे उसके मानसिक रूप से उसे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अवधान न्यूनता या अवधान अंतर्क्रिया विकार, ठीक है, बच्चों एवं किशोरों में अत्यधिक प्रचलित विकार है जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, मतलब रोजमर्रा के जीवन में तथा उनके आसपास के अन्य लोगों को बाधा पहुंचाता है। अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया विकार वाले बच्चे निरंतर ध्यान बनाए रखने में कठिनाइयों का प्रदर्शन करते हैं, मतलब एक जगह बार अगर आपको मैथ का होमवर्क करा रहे हो तो वो उस चीज से भटक जाएंगे बार बार, और साइंस पढ़ने पर साइंस, हिंदी पढ़ने पर हिंदी, या किसी एक चीज में एक निरंतर ध्यान बनाए रखने में कठिनाई का प्रदर्शन करते हैं तथा अत्यधिक तथा अतिरंजित पेशीय गतिविधियां दिखा सकते हैं। उनके व्यवहार में मतलब अत्यधिक मतलब उठ जाना, वहां से चले जाना, कुछ और पेशीय गतिविधियां दिखाना, उनके व्यवहार में उनके विकास की अवस्थाओं के अनुसार आवेग के कारण सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक क्षेत्रों को नुकसान एवं अन्य क्षेत्रों को समस्या होती है, मतलब उनके आसपास रहने हर क्षेत्रों को समस्या होती है क्योंकि उन्हें हर समय ध्यान बनाने में निरंतर ध्यान बनाए रखने में कठिनाइयाँ होती है। इसमें तीन उप प्रकारों में अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, संयुक्त प्रस्तुति जिसमें असावधानी या ध्यान की कमी और सक्रियता दोनों शामिल होती है, मुख्य रूप से असावधान प्रस्तुति जिसे अवधान न्यूनता विकार कहा जाता है, और मुख्य रूप से अति सक्रिय या आवेग प्रस्तुति जहां यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इन तीनों में से सबसे आम प्रस्तुति संयुक्त प्रस्तुति है। एक केस स्टडी दी हुई है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मुख्य रूप से क्या बताता है, अवधान न्यूनता की लगातार ध्यान बनाए रखने में कठिनाई और पेशीय क्या बोलते हैं अंतर्क्रिया होती है उसमें। प्रसार, भारत में अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया विकार का प्रसार प्रति से पाया गया जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुष 6 से 9 गुना अधिक प्रसार है, मतलब में अधिक देखा गया। मध्यम सामाजिक आर्थिक वर्ग में 6 से 6.5% तक है की तुलना में निम्न सामाजिक आर्थिक समूह में 16% तक प्रसार अधिक था। प्रसार 9 से 10 आयु के वर्ग में सबसे अधिक पाया गया। अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया विकार में विपक्षी अवज्ञा विकार जैसे विकारों के साथ सहवर्ती पाया गया, ठीक है। अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया विकार के कारण और जोखिम, अनुवांशिक प्रभाव होता है, कुछ ध्यान बनाए रखने में हमेशा से कमी रही हो माता पिता को, ये सब चीज़ों में मस्तिष्क असामान्यता, कुछ मस्तिष्क में ही कमी हो उसके ब्रेन में, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों का अनावरण मतलब शीशा, विषाक्त पदार्थ एवं कीटनाशक, विषाक्त पदार्थ जैसे अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया का कारण बन सकते हैं, मतलब कभी बच्चे ने कुछ गलत खा लिया हो या गलत शीशा ऐसा तो उससे भी गर्भावस्था के दौरान ड्रग, मादक पदार्थ, नशीली दवाएं या कोई अल्कोहल ये सब चीज़ कार पूर्व प्रसन्न मतलब जन्म से पहले बच्चा, सामाजिक कारण, परवरिश की शैली में रहा हो, ठीक है, रोल मॉडल किसी गलत इंसान को ही देखता हो वो टीवी पे या कहीं पे भी नेट पे जिससे उसका ऐसा हो कि ऐसी चीज़ें उसको उस जैसा बना सकती है या गलत चीज़ों को फॉलो करना। विघटनकारी आवेग नियंत्रण एवं आचरण विकार, वृद्धों अवज्ञाकारी विकार एवं आचरण विकार को विघटनकारी विकार के अंतर्गत बांटा गया है क्योंकि दोनों आक्रामकता और असामाजिक व्यवहार ध्यान केंद्रित करते हैं। इन दोनों विकारों में सामाजिक मानदंड के साथ एक बच्चों से संबंध शामिल है, आचरण से संबंध में नियम एवं व्यवहार शामिल है जो कानून किशोर अपराध के खिलाफ माना जाता है या नहीं। वृद्धों का अवज्ञाकारी विकार आमतौर पर 8 वर्ष की आयु में स्पष्ट होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है, और आचरण विकार 9 की आयु में पहचाना जाता है। पूर्ण विकसित आचरण विकार आमतौर पर किशोरावस्था के माध्यम से मध्य बाल अवस्था में विकसित होता है। विभिन्न शोधों के अनुसार ये विकार एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं।
हालांकि वह उल्लंघन की गंभीरता के प्रकृति के आधार पर विख्यात है। विकार का संचालन करने की तुलना विरुद्ध आवाज्ञाकारी विकार और अपेक्षाकृत कम गंभीर है। विरुद्ध आवाज्ञाकारी विकार को आचरण विकार के एक उग्र अग्रदूत के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार ये एक महत्वपूर्ण विशेषता। यदि विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार लगातार नकारात्मक दोषपूर्ण अवज्ञाकारी और शत्रुता रवैया के प्रतिबद्ध व्यक्ति के प्रति व्यवहार है। ठीक है, क्या है? लगातार नकारात्मक दोषपूर्ण की दूसरे में दोष निकालना, अवज्ञाकारी एवं शत्रुता, उसकी बातें न मानना, उससे शत्रुता जैसा व्यवहार रखना प्राधिकृत व्यक्ति पर व्यवहार होता है, मतलब एक खास व्यक्ति को टारगेटेड रहता है। विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार वाले बच्चों का लक्षण तीन समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए। गुस्सैल और चिड़चिड़ापन उस व्यक्ति से हमेशा रहेगा। मनोदशा रहेगी उसकी बहसपूर्ण, हर चीज पर बहस करेगा, दोष बताएगा उस एवं प्रतिकारिता, मतलब उसमें से हमेशा गुस्सा रहेगा और उसके खिलाफियत का काम करेगा। गुस्सैल चिड़चिड़ी मनोदशा वाले बच्चों में आपा होना, स्पर्श महसूस करना या सरलता से नाराज होना, गुस्सा करना एवं दूसरों के प्रति क्रोधित एवं नाराज होना शामिल होता है। तर्कपूर्ण दोषपूर्ण व्यवहार वाले बच्चे प्राधिकृत व्यक्ति या वयस्कों के साथ बहस करना, गुस्सा नखरे करना, सक्रिय रूप से अवहेलना करना आदि अधिकारों से अनुरोध का पालन करने से मना करना है, नियमों का पालन करना शामिल होता है। वे दूसरों को जानबूझकर परेशान करते हैं, वही प्रतिकारिता करते हैं, अपनी गलतियों या दुर्व्यवहार को दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशोध लेना, गुस्सा निकालना, ठीक है। विरुद्ध अवज्ञाकारी के शामिल कारण और जोखिम कारक होते हैं, जैविक कारक होते हैं, कुछ मनोदासिक कारक होते हैं, किसी चीज से उदासीन होते हैं, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, आचरण विकार क्या होता है? जैसे कि ऊपर उल्लेखित किया कि दोनों आचरण विकारों से विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार के नियमों दूसरे अधिकारों को प्राधिकरण के लिए लगातार उपेक्षा शामिल है, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर पुरुष की आयु के अलावा यह है कि विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार में गंभीर शारीरिक आक्रामकता का अभाव है जो कि बच्चा आचरण विकार के साथ प्रदर्शित कर सकता है। आचरण विकार वाले बच्चे, ठीक है, आचरण विकार वाले बच्चे सामाजिक व्यवहार में कमी दिखा सकते हैं, लोगों से कटे कटे रहते हैं। लक्षणों में दूसरों के प्रति आक्रामकता, पशु संपत्ति का विनाश, चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना आदि सामाजिक मानदंडों का गंभीर उल्लंघन शामिल है। वह धमकाने, स्कूलों में अन्य परिस्थितियों में झगड़े की शुरुआत करने व हथियारों का उपयोग करने में किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने को गंभीर रूप से घायल करने के लगाने डकैती बर्बरता तोड़फोड़ के रूप में गुप्त या अत्यधिक आक्रामकता को प्रदर्शन कर सकते हैं, मतलब बस चिंगारी होते हैं, बस हल्का सा उसे तुम पेट्रोल सुंघा दोगे तो बवाल मचा देंगे। ठीक है, मतलब हमेशा गुस्से में रहते हैं, गलत क्रिया के प्रति हमेशा आगे रहते हैं, हल्की सी बदमाशी का बस देर और वो बवाल मचा सकते हैं। बच्चों में चिंता एवं अवसाद, ठीक है, चिंता विकार एक व्यापक श्रेणी है, बहुत बड़ी चीज होती है ये, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी ये एक बुक टाइप की चीज है चिंता विकार। लेकिन सभी विकारों में कुछ समान लक्षण होते हैं। इन सभी लक्षणों में तीन बुनियादी क्षेत्र है, शारीरिक प्रतिक्रिया, पसीना, उत्तेजना, मतली आदि, व्यवहार संबंधी लक्षण, दूर रहना, बचने का उपाय, और व्यक्तिपरक भावनाएं, भय, बेचैनी आदि। ठीक है, ये तीन चीज कॉमन होती है। चिंता विकारों के कुछ सामान्य लक्ष्य अवास्तविक या नकारात्मक विकारों की उपस्थिति, घबराहट के दौर, घटनाओं की गलत व्याख्या, शारीरिक उत्तेजना, कुछ शारीरिक संकेतों के प्रति संवेदनशीलता, किसी व्यक्ति, स्थिति, वस्तु या घटनाओं का डर लगना, सामान्य रूप से अत्यधिक चिंता हो सकती है। कुछ चिंता विकारों की पहचान की गई जो सामान्यकृत चिंता विकार, विशिष्ट भय, सामाजिक भय, आतंक विकार एवं विवृत्ति भित, ठीक है, इनमें से कुछ बच्चे, ठीक है। सामाजिक चिंता विकार क्या होता है? बच्चों में अक्सर अलग अलग स्थितियों में शर्मीला व्यवहार करते देखा गया, लेकिन यदि वह कक्षा में पढ़ने या अन्य बच्चों के साथ खेलने जैसी रोजमर्रा की स्थितियों में अत्यधिक परेशानी का अनुभव करते हैं तो चिंता का कारण हो सकता है। ठीक है, मतलब किस चीजों में जैसे रोजमर्रा की स्थितियों अत्यधिक परेशानी का अनुभव करते हैं और चिंता का विकार हो सकता है, अन्य बच्चों के साथ खेलना, कक्षा में पढ़ना, ठीक है, ये सब सामाजिक चिंता विकार या सामाजिक भय को एक या एक से अधिक विशिष्ट सामाजिक स्थिति जैसे सार्वजनिक तौर पर बोलना, बाथरूम में पेशाब करने या सार्वजनिक रूप से खाना या लिखने में बंडर का अक्षम करने रूप वर्णित किया गया है, जहां व्यक्ति जांच एवं दूसरों की स्वाभाविक नकारात्मकता मूल्यांकन के संपर्क में आने की आशंका या किसी शर्मसार अपमानजनक तरीके का कार्य करता है
इसके कारण व्यक्ति या तो स्थिति या समान सामना स्थिति का सामना या बचने बचने बच सकता है और यह उच्च स्तर की संकट का सामना कर सकता है। सामाजिक चिंता विकार के मुख्य दो उप प्रकारों की पहचान की गई, मतलब अधिक चिंता करना और रूपों से बचना, और उनसे पहले क्या बोलते हैं एक भय टाइप का दिखाना, सामाजिक तौर से बोलने में परेशानी किसी चीज को, ठीक है, सामान्य सामाजिक चिंता, ट्रिगर नए लोगों से मिलना, ठीक है, सार्वजनिक भ्रमण, भाषण नहीं दे पाना, नए लोगों से नहीं मिल पाना, घबराहट होना, उसमें अधिक चिंता करना, ध्यान का केंद्र होना, हमेशा ध्यान में रहना, चीज़ों के ध्यान से सोचना कि वो कभी कोई बुला सकता है, कुछ करते समय देखे जाना कि कोई भी अगर आप कोई भी कॉमन काम भी कर रहा तो लोग देख रहे तो क्यों देख रहे, उस चीज़ पर बहुत सोचना, छोटी बात करना, दूसरों द्वारा आलोचना की जाना, इस चीज़ों से अधिक सोचना, इस चीज़ों पर सत्ताधारी व्यक्ति से बात करना, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना, कक्षा में बुलाया जाना, सार्वजनिक रूप से खाना या पीना और सामाजिक समारोह में भाग लेना, इस सब में उसे बहुत चिंता होती है। चिंता विकार के कारण कुछ वंशानुगत होता है, मस्तिष्क संरचना हो सकती है, नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं, चीज़ों के हमेशा नेगेटिव रूप से ही देखा गया हो, हमेशा से दूसरों के नकारात्मक अनुभव के बारे से सीखना आ रहे, हम वहाँ गए थे हमारे साथ ऐसा हुआ, तब से उस चीज़ों के उसका ऐसा माइंडसेट बिल्ड हो चुका हो, कम जोखिम उठाने की डर की अधिक जोखिम को उठाना, पेरेंटिंग यदि एक या दोनों माता पिता अस्वीकार नियंत्रण आलोचना या अत्यधिक सुरक्षात्मक है तो बच्चों की सुरक्षित अशक्ति बना सकते हैं, मतलब अधिक ज्यादा ना उसके प्रोटेक्टिव हो दोनों माता पिता, ना एकदम आलोचना करते रहते यह चीज गलत है और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। फिर आगे हमारा पृथकृत चिंता विकार, स्कूल जाने से इनकार या स्कूल फोबिया जैसे शब्द का अक्सर पृथकृत चिंता विकार के सामान्य विशेषताओं के रूप में माना जाता है। बच्चों में इस विकार का निदान किया जाता है यदि वह चिन्हित संकट दिखाते हैं और कुछ लोगों विशेष रूप से माता पिता या प्राथमिक देखभाल करने वाले से दूर होने का डर है, वे रो सकते हैं, रुक सकते हैं एवं दैविक शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब होता है कई लोग दिखाते हैं स्कूल में जाओगे पिटाई होगी, ये होगी, वो होगी, बच्चे लोग को कॉलेज के लिए डराया जा सकता है, बड़े बच्चों को और बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है कि तुम अपने माता पिता से दूर हो जाओगे, क्या बोलते हैं हॉस्टल के लिए, ये सब पृथकृत चिंता विकार में आता है जिससे उनमें सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार आदि के नखरे कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। चयनात्मक मुक्तता, ये एक विशिष्ट सामाजिक स्थितियों में बोलने में लगातार विफलता जिसमें अन्य स्थितियों में बोलने के बावजूद बोलने की उम्मीद है, यह सामाजिक चिंता विकार के साथ साथ अस्तित्व में हो सकता है। उनके व्यवहार को दूसरों द्वारा या तो शर्मिलापन या अशिष्टता माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद वे स्कूल जैसे कुछ स्थितियों में बोलने में असमर्थ होता है। उदाहरण के लिए चयनात्मक मुक्तता वाला बच्चा स्कूलों में वर्षों तक चुप रह सकता है, लेकिन घर पर किसी अन्य स्थिति में खुलकर बोल सकता है। वह गड़बड़ी शैक्षिक या व्यावसायिक उपलब्धि, सामाजिक कामकाज और भाषा विकास में हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब जहाँ वो कई लोगों के सामने चुप रहता है वो उसी चीज पे घर में बोल सकता है। जहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बोलने की विफलता भाषा संबंधी विकासात्मक मील का पत्थर या भाषा या बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान की कमी की या देरी के कारण हो सकता है कि इस बात का हो कि उसे बोलना ठीक से ना आता हो या वो सही शब्दों का इस्तेमाल कर पाए या ना कर पाए और या उसके सही उस लैंग्वेज का ज्ञान है भी या नहीं है। चयनात्मक मुक्तता के निषाद वाले बच्चों में एक पदानुक्रमित भिन्नता भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए कुछ सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, इस प्रकार सामाजिक दिखाई देते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो साथियों के साथ बात करते हैं लेकिन वयस्कों से बात नहीं करते, मतलब अपने फ्रेंड्स से तो बात करेंगे वो सब चीज़ों पे जिससे बात करते हैं, लेकिन वही बात अगर वो थोड़े बड़े लोग एज ग्रुप में करते हैं तो उस जगह वो शांत रहते हैं। चयनात्मक मुक्तता कई लोगों में होती है। ये अभी घातमक उत्तर तनाव विकार, यह सिद्ध किया गया है कि एक अत्यंत तनावपूर्ण घटना जो जीवन में के लिए खतरा हो सकती थी और एक सामान्य रोजमर्रा का अनुभव नहीं थी, न केवल वयस्कों में बल्कि बच्चों में भी किसी मनोवैज्ञानिक लक्षण पैदा कर सकता है। इन दर्दनाक तनावों में एक बंदी शिविर में रहना, युद्ध, आतंकवादी हमला, बलात्कार या प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, स्कूल हिंसा, उपेक्षा, गंभीर दुर्घटना या किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु हो सकती है, मतलब एकाएक तनाव जो इसकी वो कभी कल्पना भी नहीं किया हो सकता है, वो घटना उसके साथ घट जाना। एक दर्दनाक घटना के बाद तनाव में लक्षण बहुत कम
आम है, लेकिन वह समय के साथ साथ कम हो सकते हैं। इस प्रकार यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अभिजातमक उत्तर तनाव के निदान के लिए लक्षण कम से कम 1 महीने तक रहना चाहिए। यह एक दर्दनाक घटना के रूप में होती है, ठीक है। अवसाद, अवसाद एक बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है अवसाद पे, डिप्रेशन पे। तो डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ों पर होता है। अवसाद का मतलब खराब मूड या कभी कभी उदास होने की भावना होती है। जब बच्चों, किशोरों या अन्य, यहाँ तक कि वयस्कों के जीवन में असफलता, निराशा का सामना करना पड़ता है, वह दुखी महसूस करते हैं, और अंततः जब हम इसका सामना करते हैं तो कम हो जाता है या कम हो जाता है। अंततः जब हम इनका सामना करते हैं तो यह कम हो जाता है, मतलब जो अवसाद है हमारा, डिप्रेशन कम हो जाता है जब हम इनका रियल में सामना करते हैं। तो माता पिता को चिंतित होना चाहिए और किशोरों से संपर्क करना चाहिए। जब उदासी और अन्य संबंधी लक्षण आगे चर्चा की जाने वाली हफ्तों, महीनों या उससे अधिक समय तक चलते हैं, बच्चों के जिनके जीवन में, मतलब बच्चों के दैनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता को बाधा करता है, इस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले गंभीर लक्षणों को हल्कों से, मतलब जो लंबे समय तक चले, आप वो चीज़ किसी भी काम में मन ना लगा पाओ, हमेशा उदासी में डूबे रहो और एक खराब मूड रहे आपका, वो हो जाता है एक डिप्रेशन का। और उस चीज़ों के प्रति आप हर चीज़ में खराब मूड रहे और एक लंबे समय तक रहे और चलता रहे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हो सकता है। इसमें मनोदशा, गतिविधि की रुचि में कमी, नींद की संबंधी समस्याएं होती है, वजन कम हो जाता है या बढ़ जाता है, मन प्रेरक मंदता, जिसमें धीमी शारीरिक गति, ऊर्जा की हानि या थकान, ध्यान केंद्रित करना, सोचने का, निर्णय लेने में कठिनाई, अपराध की भावना, बेकारता एवं मृत्यु के बारे में विचार करना। यह अध्ययन किया गया कि मृत्यु और संबंधित विकारों के साथ अधिक 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 बार बड़े बच्चों और वयस्कों में देखा जाता है, जो मृत्यु और संबंधित विचारों की तरफ देखते हैं और या सोचते हैं, और छोटे बच्चों में प्रकट नहीं हो सकते क्योंकि उनकी मृत्यु की अवधारणा अस्पष्ट होती है। दो अतिरिक्त शारीरिक अंतरिक शिकायतें, चिड़चिड़ापन और कुछ शारीरिक शिकायतें जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, जो अक्सर बच्चों को और किशोरों को अवसाद के साथ देखी जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अवसाद बहुत बड़ा चैप्टर होता है, स्कूल पूर्व होता है अवसाद की, फिर भावनाओं को मौखिक रूप से बताना मुश्किल होता है, जिसके कारण अवसाद की शुरुआत लक्षण छूट सकता है, फिर भी जलन, रोना, नखरे और अन्य शारीरिक शिकायतें के बारे में लगातार शिकायतें अवसाद के कारण हो सकती है। समकक्षी के साथ परेशानी हो सकती है, स्कूलों और शैक्षणिक मुद्दे हो सकते हैं कि वो चीज़ें समझ में ना आ पा रही हो, मम्मी को बता ना पा रहा हो, पापा को ना बता पा रहा हो, घर वालों को ना बता पा रहा हो, और उससे उस चीज़ में कठिनाइयाँ होती जा रही हो, वो चीज़ चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा हो, बढ़ता जा रहा हो, और आपको वो चीज़ समझ में ही ना आ रही हो, तो एक बहुत बड़ी शैक्षणिक समस्या होती है। फिर समकक्षी के साथ परेशानी, स्वस्थ मित्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सकारात्मक व्यवहार और भावात्मक संयोजनात्मक को बढ़ावा देता है और भविष्य में स्वयं संबंधित संबंधों की नींव को रखते हैं। मतलब हमेशा अच्छे से लोग आपको पहले से ट्रोलिंग या आपको कम समझना लगे तो ये समकक्षी के साथ आपकी परेशानी होती है। और आत्म को नुकसान पहुंचाना और आत्महत्या, ये बड़ों में होता है अवसाद में। तो अवसाद के कारण क्या होते हैं, कुछ अनुवांशिक होते हैं, मस्तिष्क रसायन होते हैं जो इधर उधर हार्मोन्स बिगड़ सक जाता है, दुर्व्यवहार होता है जो हमेशा आपके साथ हो तो इसके साथ भी हो सकता है, मृत्यु या हानि, किसी चीज का बहुत ज्यादा क्षय हो गया हो या मृत्यु हो गई हो किसी करीबी के, जीवन में प्रमुख घटनाएं भी होती है और पर्यावरणीय कारक भी होते हैं अवसाद के लिए। बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक विकासात्मक विकार को पहले मानसिक मंदता या मानसिक असमता के रूप में जाना जाता है। 18वीं सदी में इसे मानसिक असमता रूप में फिर से जाना जाने लगा या कहने जाने लगा। ये वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है, बौद्धिक अक्षमता के लिए मानदंड मनमाना रहा है, मतलब जो तेज रहा है वो सामने वाले को हमेशा स्लो समझेगा, और यह दुनिया के साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा आवश्यक क्षमताओं के बारे में निर्णय पर आधारित है। बौद्धिक अक्षमता सामान्य मानसिक अक्षमताओं की कमी की विशेषता है, जैसे तर्क, समस्या समाधान, योजना, अमूर्त सोच, निर्णय, अकादमिक शिक्षा और अनुभव से सीखना, ये सब चीज़ें उसमें कम हो जाती है। तर्क नहीं हो पाते, समस्या समाधान करने की क्षमता कम होती है, योजना नहीं बना पाता, अमूर्त सोचता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, अकादमिक शिक्षा में प्रॉब्लम होती है, अनुभव से सीखने में भी कमी होती है, और बुद्धि और प्रदर्शन का स्तर दोनों के संबंध में परिभाषित किया गया है। ठीक है,
तो इसमें भी कम बौद्धिक अक्षमता होती है, मध्यम होती है, गंभीर होती है, और गहरी होता है जिसमें बुद्धि लब्धि प्राप्त है 20 से 20 से नीचे होता है। ठीक है, इसमें उन व्यक्तियों को सबसे बड़ी संख्या शामिल होती है जिनमें बौद्धिक अक्षमता का निदान किया है, इनका बुद्धि लब्धि प्राप्तांक लगभग 50 से 55 से 70 के बीच में है। एक कम बौद्धिक अक्षमता वाले वयस्क की मानसिक आयु 8 से 11 वर्ष के बीच की तुलना होती है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि यद्यपि उनकी सूचना प्रक्रमण क्षमता 10 वर्ष की आयु हो सकती है, लेकिन लेकिन उनका जीवन अनुभव उनके कई कहीं अधिक होता कहीं अधिक होगा, जो उनके बुद्धि की प्राप्तांक से भी बड़ा सफलता होता है और शिक्षित माना जाता है, अर्थात बुनियादी स्तर पर पढ़ लिख सकते हैं और न्यूनतम व्यावसायिक कौशल को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें शिक्षण माना जाता है। ठीक है, मध्यम बौद्धिक अक्षमता है। ठीक है, इसमें 30-35 से लेकर 50-55 के बीच के बुद्धि लब्धि के साथ, बुद्धि लब्धि होता है जो आईक्यू टेस्ट होता है ना, उसी को बुद्धि लब्धि कहते हैं, के साथ मध्यम, इसे हम लिख देते हैं आईक्यू टेस्ट। ठीक है, टेस्ट टेस्ट भी लिखते क्या, टेस्ट के साथ मध्यम बौद्धिक क्षमता वाले वाले प्रशिक्षित विशेष शिक्षा के संदर्भ में श्रेणी में आते हैं। यदि उन्हें विशेष निर्देश दिए जाते हैं तो वो नियमित कार्य, कपड़े धोना, खाना पकाने, झाड़ू लगाने और चौकीदार के कार्य जैसे कौशल की महारत हासिल करने में सक्षम होते हैं, मतलब एक नियमित काम करने में समर्थ, और प्रशिक्षण से वे अपनी देखभाल करना और सामान्य शारीरिक खतरों से स्वयं को बचाना सीख सकते हैं। हो सकता है कि वो बोली जाने वाली भाषा पर उचित अधिकार हासिल न कर पाए क्योंकि उन्हीं की सीखने की गति धीमी होती है, वह अवधारण का स्तर बेहद सीमित होता है। ठीक है, गंभीर बौद्धिक अक्षमता, ठीक है, 20-25 लेकर 35-40 तक के बुद्धि लब्धि आईक्यू टेस्ट वाले लोगों को गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मोटर वॉक विकास विकार गंभीर रूप से मंद और उनके मामले में विभिन्न संवेदी दोष भी आम है। वे आमतौर पर बहुत सीमित स्तर के व्यक्ति का स्वच्छता और स्वयं सहायता कौशल विकसित करने के लिए उन्हें व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है। उनके पूर्व शैक्षणिक कौशल से आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षण और विशेषज्ञ निर्देशों के साथ कुछ शब्दों में महारत हासिल कर सकते हैं। विकास के सभी क्षेत्रों में गंभीर देरी होती है, शारीरिक विकृति को उपस्थित, मोटर, सामाजिक, संज्ञात्मक, भाषा आदि, उनके कई यौन रूप से परिपक्व नहीं होते हैं और वो बांझ भी रहते हैं। गहन बौद्धिक अक्षमता जिसमें एकदम टोटल लूल होता है वो इंसान, उसमें कुछ नहीं होता और एकदम दंत चिकित्सा, चलने, भोजन करने और क्षमता, पोशाक, आत और मूत्राशय पर नियंत्रण में काफ़ी देरी देखी जाती है। कई तो इनमें नियमित कार्य और महारत हासिल भी नहीं कर पाते, मतलब एकदम आम जीवन का भी काम नहीं कर पाते। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रोग विज्ञान, दौर, मूर्खता, बहरापन और विभिन्न अन्य शारीरिक विसंगतियाँ उनके उनमें पाई जाती विसंगतियाँ उनके से आम हैं। उनमें खराब स्वास्थ्य, गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। ठीक है, बौद्धिक क्षमता के कारण आनुवंशिक कारक गुणसूत्र की कमी हो सकती है, संक्रमण और विषाक्त कारण हो सकता है, संक्रमण चीज हुई हो या बचपन में कुछ खा लिया हो, गलत चीज़ें या गलत दवाएं लग गई हो, आघात और शारीरिक चोट हो सकती है और माता पिता या नहीं माता की तरफ से ड्रग्स या नशीली चीज़ों का सेवन भी हो सकता है। आयनकारी विषक्रिया, मतलब आयन जो होता है उसे आयनकारी विकिरण आयनकारी विकिरण, परमाणु हथियारों को परीक्षण, जहरीली गैस या रिसाव से यौन कोशिकाओं और शरीरों के अन्य शारीरिक कोशिकाओं को प्रभाव पड़ सकता है और भ्रूण के विकास में बाधा पड़ सकता है। कुपोषण और अन्य कारक जिसमें खाने की कमी और प्रोटीन और कैल्शियम ये सब चीज़ें ना मिली हो, ये भी होता है। तो बौद्धिक क्षमता से जुड़े विकार होते हैं कुछ, डाउन सिंड्रोम, फेनिली केलोटूनिया, कपाल विसंगतियाँ, नंबर 18 ट्राइसोमी सिंड्रोम, टी सेक्स रोग, ट्रेनर सिंड्रोम, क्लाइनफोरेस्ट सिंड्रोम, नीमन पिक रोग, ब्ली रूबिन एफेसफेलोपैथी और रूबेला। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है जिसको आप पढ़ लेना अच्छे से अपने बुक में, बुक नहीं है तो वीडियो से पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है 25 मिनट का। तो अगर आपको वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस।
मिलते हैं हम एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स आपका है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हुई हो जिसमें आपको रिजल्ट ग्रेड कार्ड या किसी भी इग्नू से प्रॉब्लम हुई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे लिंक्स पे मुझे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल का अच्छे से वीडियो में।